बिहार में अवैध मादक पदार्थों के बरामदगी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते 8 दिनों के अंदर कटिहार पुलिस ने तीसरी बार लाखों का अवैध गांजा बरामद किया है। साथ ही साथ इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी की गिरफ्तारी के साथ एक ऑटो को भी जब्त किया है। कटिहार सदर SDPO अमरकांत झा ने कहा कि जिले के उत्पाद विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि अवैध गांजे की एक बड़ी खेप NH-31 से होकर गुजरने वाली है। सूचना पर उत्पाद विभाग ने NH-31 पर वाहन जांच शुरू की, जहां चैथरिया पीर गांव के पास एक पीले ऑटो से 31 किलोमीटर अवैध गांजे की खेप को बरामद किया गया। अवैध गांजे की ये खेप ऑटो के तहखाने में छिपाकर रखी गई थी। पुलिस ने इस मामले में रवि कुमार नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो जिले के कुरसेला थाना क्षेत्र के नवाबगंज इलाके का रहने वाला बताया जा रहा है। वहीं SDPO अमरकांत झा ने कहा कि पुलिस जिले में अवैध गांजे के कारोबार को खत्म करने में जुटी है। आज सुबह में कटिहार जिला के उत्पाद एवं निषेध विभाग को गुप्त सूचना मिली कि कोढ़ा होकर के जो है ऐसे कुछ गांजा टेम्पू से जा रहा है। इसी क्रम में उत्पाद विभाग के जो पुलिस निरीक्षक एवं उनकी जो टीम के सदस्य थे वो चिथरियापुरी में अपना चेकिंग किया। उसी क्रम में एक टेम्पू जो पूर्णिया से आ रहा थी, टेम्पू को उन्होंने रोका और उसमें तलाशी दिया तो टेम्पू के बडी के भीतर में गांजा बरामद हुआ, जिसको तोलने पर लगभग 31 किलो गांजा था। और उसमें रवि कुमार जो नवाबगंज कुरसेला का रहने वाला था वो भी उसमें गिरफ्तार हुआ है। और इन लोगों के द्वारा कर करके कोरा थाना को सुपुर्द किया गया और उसमें अग्रिम कार्रवाई किया जा रहा है। सर, 31 किलो गांजा का मूल्य क्या होगा बाजार मूल्य? 31 किलो गांजा का बाजार मूल्य लगभग 3 से 4 लाख रुपया है। आगे की कार्रवाई तो करेंगे, चूंकि पूर्व में भी काफी संख्या में लोग गया है। कुरसेला में पहले गिरफ्तारी हुई है, जिसमें 7 एक्यूट को गिरफ्तार किया गया है। उसके बाद पुनः जो है फलका से भी 3 एक्यूट की गिरफ्तारी हुई है, 7, 3, 10 और 1, 11। तो जो यहाँ गाजा का जो काफी व्यापार की सूचना है, जिस पर यह कार्रवाई की जा रही है और आगे भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। गौरतलब है कि बीते दिन 8 दिनों के अंदर कटिहार पुलिस ने अवैध गांजे की ये तीसरी बड़ी खेप को बरामद की गई है। पहली बरामदगी कुरसेला थाने का नवाबगंज इलाके से हुई, जहां कुल 298 किलोग्राम गांजे के साथ 7 लोगों को गिरफ्तार किया था। जबकि दूसरी बरामदगी जिले के फलका थाना क्षेत्र के 14 किलोग्राम अवैध गांजे के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। जबकि तीसरी बरामदगी जिले के कोड़ा थाना क्षेत्र के चैथरिया पीर गांव के पास हुई, जहां कुल 31 किलोग्राम अवैध गांजे की खेप के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कटिहार से राजीव की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।